नमस्ते, मैं सौरभ हूँ। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे, कांस्टेबल राजेंद्र तिवारी, सुनील देसाई और राजा राम निगम, इन चारों पुलिस कर्मियों को मुंबई पुलिस ने 16 साल बाद ड्यूटी पर बहाल किया है। हिरासत में मौत के एक मामले में इन चारों को सस्पेंड किया गया था। जिस व्यक्ति की मौत हुई थी उसका नाम ख्वाजा यूनुस था। उसे एक बम धमाके में शामिल होने के आरोप में पकड़ा गया था, लेकिन बाद में उसकी मौत हो गई थी। मामला क्या है? 2 दिसंबर 2002 को मुंबई के घाटकोपर में बम धमाका हुआ। इसमें 2 लोग मारे गए थे और 39 लोग घायल हुए। इस मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक का नाम था ख्वाजा यूनुस। वह महाराष्ट्र के परभणी जिले का रहने वाला था, पेशे से इंजीनियर था और दुबई में नौकरी कर रहा था। 25 दिसंबर 2002 को उसे पकड़ा गया। गिरफ्तारी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट यानी पोटा के तहत हुई। पुलिस ने दावा किया कि यूनुस बम धमाके में शामिल था। 6 जनवरी 2003 को घाटकोपर थाने में यूनुस और 3 अन्य आरोपियों से पूछताछ हुई। 7 जनवरी को बताया गया कि यूनुस लापता है। पुलिस ने दावा किया यूनुस को जांच के सिलसिले में औरंगाबाद ले जाया जा रहा था, लेकिन गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। ऐसे में वो कस्टडी से भाग निकला, लेकिन यूनुस के साथी आरोपी ने कोर्ट में कहा कि यूनुस को पुलिस ने नंगा करके बुरी तरह मारा, उसके मुंह से खून निकल रहा था, इसके बाद उसे नहीं देखा। इस पर यूनुस के परिवार ने हाईकोर्ट में जांच के लिए अर्जी लगाई। कोर्ट ने महाराष्ट्र सीआईडी को जांच सौंपी। जांच में सामने आया कि यूनुस की हिरासत में मौत हो गई थी। मामले में सचिन वाजे और 3 अन्य पुलिस कर्मियों पर केस दर्ज किया गया। इन पर हत्या और सबूत छुपाने के आरोप है। साल 2004 में अलग अलग महीनों में चारों पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। तब से यह मामला कोर्ट में चल रहा था। साल 2018 के बाद से कोई सुनवाई नहीं हुई। इस दौरान साल 2007 में सचिन वाजे ने इस्तीफा भी दे दिया था और शिवसेना की सदस्यता भी ले ली थी। हालांकि पुलिस विभाग ने वाजे का इस्तीफा मंजूर नहीं किया था। इसके चलते साल 2009 में सचिन वाजे को प्रमोशन भी मिला था। सस्पेंड होने से पहले वाजे इनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक और प्रदीप शर्मा की टीम में भी थे। घाटकोपर बम धमाके के मामले में यूनुस के अलावा बाकी 7 आरोपी बरी हो चुके हैं। यूनुस का परिवार इंसाफ की उम्मीद लगाए है। उन्होंने आरोपी पुलिस कर्मियों को बहाल किए जाने पर निराशा जताई है। यूनुस की मां आसिया बेगम ने इंडियन एक्सप्रेस से बात की, कहा कि यदि जिंदा होता तो उनका बेटा भी बरी हो जाता। उन्हें कोर्ट पर भरोसा है, लेकिन आरोपियों को फिर से नौकरी देकर धोखा किया गया है। इसके बजाय केस को शुरू करना चाहिए था। चारों पुलिस कर्मियों ने फिर से नौकरी ज्वाइन कर ली है। सचिन वाजे, राजेंद्र तिवारी और सुनील देसाई ने लोकल आर्म्स यूनिट ज्वाइन की है। वहीं राजा राम निकम को मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट में लगाया गया है। आपका इस मामले पर क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। दी ललन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की, ललन टॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए ललन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, ललन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए ललन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किस्से, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको है बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी ललन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।